नहीं थम रही राशन की कालाबाजारी, बेखौफ होकर राशन डीलर कर रहे हैं मनमानी, डाल रहे हैं गरीबों के हक पर डाका। बिलारी क्षेत्र के शायद नगर नया गांव में ग्रामीणों ने गांव के ही एक राशन डीलर राजेश को कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 31 कट्टे चावल पकड़े। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगभग 10 बजे गांव के ही ओंकार मुनिंद्र जगपाल एवं अन्य ग्रामीणों को सूचना मिली कि गांव का ही राशन डीलर राजेश राशन के 31 कट्टे चावल ट्रैक्टर में भरकर कालाबाजारी के लिए ले जा रहा है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी कर कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे राशन को पकड़ लिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि वो राशन डीलर चावलों के कट्टे वहीं फेंककर ट्रैक्टर लेकर भाग गया। तुरंत गांव के ही ओंकार और अन्य ग्रामीणों ने बिलारी उपजिलाधिकारी को सूचना दी कि सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी ने बिलारी पुलिस को मौके पर भेजा और कालाबाजारी के लिए ले जा रहे राशन के 31 चावल के कट्टों को पुलिस ने अपने कब्जे में कोतवाली ले आई। शायद नगर नया गाँव थाना बिलारी। क्या मामला, क्या हुआ? मामला राशन डीलर का है। राशन डीलर ने लोगों को राशन ना दिया, अंगूठा लगवा लिया कहता। अब लोग कह रहे थे राशन दे के दे दूंगा, ना दिया उसने। फिर कल रात को वो लारी में भर के अपने बेचने जा रहा था। लोगों को पता चली, लगभग 100 लोग गांव के वहां पहुंच गए। रास्ते में रोक लिया 1 किलोमीटर गांव से। कितने बजे की बात है? जैसे 10:30 बजे की बात थी रात में। फिर गांव वालों ने एसडीएम साहब को फ़ोन करा। एसडीएम साहब ने मौके पर फोर्स भेज के उसको अपने कब्जे में रखवा दिया। कितना कट्टे राशन पकड़ा? लगभग 31 कट्टे हैं। 31 है क्या राशन? गेहूँ चावल, खाली चावल है। थोड़ी सी की है टलोरी, किसी की थी टलोरी, छोड़ के भाग गया, लौट के भाग गया। प्रेशर वाली टलारी थी, लौट के भाग गया। रात फिर किसको सूचना दी आपने? हमने एसडीएम साहब को दी पहले। पहले ग्राम प्रधान को? हाँ, प्रधान को दी। प्रधान ने फिर एसडीएम साहब। नाम क्या? धर्मवीर सिंह। फिर एसडीएम साहब को सूचना दी। फिर एसडीएम साहब ने फोन करा कि हम फोर्स भेज रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने मौके पे ऐसे ही आधे पौन घंटे के बाद फोर्स पहुंच गई। फोर्स ने अपने वो कब्जे में ले लिया। वहाँ से एक ट्रैक्टर दूसरा मंगाया गया, उसके द्वारा यहाँ थाने कोतवाली में माल भेज दिया। 25,000 रुपये खर्च होता है।